गुजरात में 19 जून को राज्यसभा की 4 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर कांग्रेस में बाड़ेबंदी का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस विधायकों की बाड़ेबंदी राजस्थान गुजरात सीमा पर आबू रोड के एक निजी रिजॉर्ट में की गई है। इसी कड़ी में जहां शुक्रवार तक बाड़ेबंदी में 23 विधायक थे, तो देर रात 7 विधायक और रिजॉर्ट पहुंच गए, जिसके बाद कुल बाड़ेबंदी में शामिल विधायकों की जो संख्या है वो 30 हो गई। तो वहीं कांग्रेस के पाटन विधायक किरीट पटेल ने भाजपा पर सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। चलिए इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी पुनीत रावल फिलहाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पुनीत, देखिए जिस प्रकार से चुनावों की तारीख पास में आती जा रही है, लगातार जो चौकसी है वो बढ़ती जा रही है। इसी बीच में आबू रोड के रिजॉर्ट में ठहराए गए थे 23 विधायक, उसके अलावा और विधायक वहां पहुंचे, इसके अलावा क्या तमाम अपडेट है आपके पास? जी जयति, मैं बताना चाहूंगा कि गुजरात में 19 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस द्वारा लगातार विधायकों की बाड़ेबंदी की जा रही है। उसी के चलते शुक्रवार शाम को 7 और विधायकों को आबू रोड के एक रिसोर्ट में लाया गया, जहां पर पूर्व में भी 23 विधायक को पहले से बाड़ेबंदी में रखा गया है। शुक्रवार को 7 विधायकों को हॉल लाने से कुल 30 विधायकों को बाड़ेबंदी में रखा गया है। कांग्रेस के विधायक वही पाटन विधायक किरीट पटेल ने बताया कि भाजपा पर सत्ता का दुरुपयोग, गुजरात में भाजपा की सरकार होने के कारण कुछ भाजपा सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए किरीट पटेल ने कहा कि भाजपा द्वारा झूठे आरोपों में कांग्रेस विधायकों पर दबाव बनाकर उनको फंसाया जा रहा है, जिसके चलते कांग्रेस बाड़ेबंदी कर विधायकों को सेफ जगह रखा जा रहा है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया पुनीत।